नमस्कार दोस्तों, इक्विटी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आप कंक्रीट का काम करा रहे हैं तो उसमें आपको यदि सीमेंट की मात्रा निकालनी है कि आपको कितनी सीमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो यह आज हम सीखने वाले हैं। तो यही बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसको जानने के लिए अगर मैं बचपन की तरफ हम अगर जाते हैं तो बचपन की तरफ जाते हैं तो हमने प्राइमरी में पढ़ा होगा कि वेट बराबर क्या होता है। वेट का सीधा मतलब होता है कि यदि आपके पास कोई वॉल्यूम है और उसकी अगर उस मटेरियल की आपके तो डेंसिटी अगर आपको पता है तो आप बड़ी आसानी से इसका वेट निकाल सकते हैं। तो आज हम उसी प्रक्रिया को बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सीमेंट का जो मिक्सर होता है जिसमें हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का मिक्सर करते हैं, तो आप किसी भी रेशियो में ले लें, चाहे वो M20 हो, M25 हो या किसी भी रेशियो में आप देखें, तो सीमेंट की मात्रा हमेशा 1 होती है। इसका मतलब है सीमेंट की मात्रा 1 है तो वहीं पर सैंड की मात्रा 1.5 है और वहीं पर एग्रीगेट की मात्रा 3 है। ये होता है M20 के ग्रेड पर। M20 ग्रेड पर इस रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट की मात्रा को जानने के लिए आपको वॉल्यूम का पता होना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं, जो वॉल्यूम है वह 1 क्यूबिक मीटर का है। इसका मतलब है 1 मीटर बाय 1 मीटर का अगर एक क्यूब है तो उसमें हम कितना सीमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों, यह बहुत ही बेसिक सा एक फार्मूला होता है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर वेट निकालना है तो वेट निकालने के लिए आपको वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। डेंसिटी उस मटेरियल की जिसका आप वेट निकालने वाले हैं। तो सीमेंट का जो डेंसिटी होती है वो होती है 1440। तो आप यदि 1440 जो सीमेंट की डेंसिटी है उसमें आप अगर उसका वॉल्यूम निकालें और 1 क्यूबिक मीटर का यदि आप वॉल्यूम देखते हैं तो उसका वॉल्यूम होता है 0.28 सीमेंट के केसेस में। दूसरे मटेरियल के केसेस में अलग होता है। तो अगर आप उसका वॉल्यूम और डेंसिटी है उन दोनों का गुणा कर देते हैं तो आपको निकल के आ जाएगा 403.2। इसका मतलब 403.2 केजी सीमेंट हमको ज़रूरत पड़ने वाली है यदि हम 1 क्यूबिक मीटर का हम अगर कॉन्क्रीट बनाते हैं। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं कि मार्केट में जो सीमेंट का बैग मिलता है चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो 50 केजी का होता है। आपको क्या करना है, 50 का इसमें डिवाइड कर देना तो आपको निकल के आ जाएगा 8.064। इसका मतलब है आपको 8 बैग की आवश्यकता पड़ने वाली है यदि आप 1 क्यूबिक मीटर का एक कॉन्क्रीट का कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार की नई नई जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।